हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसका स्वाद खाने में बिल्कुल अलग है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बनाना भी बहुत ही इजी है, घर के कुछ सामानों से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए, देर किस बात की, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आलू। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक लिया है कच्चा आलू, जिसको हम ग्रेटर की सहायता से जो है वो ग्रेट करेंगे। तो आलू हम यहाँ पे कच्चे ही यूज़ करेंगे, तो बहुत न तो मोटा न तो पतला जो ग्रेटर होता है उसे ग्रेट करेंगे, ताकि जो मोटे होते हैं वो थोड़े कच्चे न रह जाए और पतले रहेंगे तो स्वाद भी नहीं पता चलेगा। तो मीडियम साइज वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, आलू को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। एक ही आलू से हमारा नाश्ता जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने आलू को यहाँ पे 2 से 3 जो है वो पानी से धुल लिया है। तो आप जब भी आलू को ग्रेट करिए, या तो उसे तुरंत धुल लीजिए या फिर उसे पानी में ही ग्रेट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे मैं कुछ हरी सब्जियाँ डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 गाजर जिसको ग्रेट किया है, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एकदम बारीक काटा हुआ है। तो सारी सब्जियों को मैं इस बाउल में डाल देती हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ ऐड कर सकती हैं, जैसे पत्ता गोभी, गोभी, जो भी आपको पसंद हो। और ऊपर से थोड़ी सी जो है वो धनिया पत्ती। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 जो है वो लहसुन की कलियाँ। तो मैं फ्रेश जो है वो लहसुन यहाँ पे ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और मैं 1 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप अदरक का फ्लेवर नहीं पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों जो है वो डाल दी है और इसे जो है वो मिला लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे जो है वो स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने से क्या होता है, इसमें जो है वो थोड़ा पानी रिलीज होता है, तो जिसे हमें बाद में जो है वो कम पानी भी डालना होता है और हमारी जो सब्जियां हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप जो है वो सूजी, और साथ में ही 1/2 कप जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे मैदे का। तो आप इस रेसिपी को मैदे से या फिर गेहूं के आटे या फिर इसकी जगह बेसन से भी बना सकते हैं, हर चीज़ से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जो आपकी इच्छा हो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप जो है वो मैदा डाला हुआ है, और यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा डाल देती हूँ, और थोड़ी सी जो है वो हल्दी पाउडर, ताकि कलर आए और देखने में भी सुंदर लगे और टेस्ट तो रहेगा ही। और थोड़े से जो है वो लाल मिर्च पाउडर। तो आप तीखा जो नहीं पसंद करते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप केवल हरी मिर्च का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसे जो है ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने नमक डाला हुआ था तो इसमें जो है वो पानी रिलीज़ हुआ है। तो पहले इसी तरीके से अच्छे से इसे मिला लेंगे, ताकि हमें जब बाद में जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना ही हम ऐड करेंगे। तो सारी सब्जियों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मेहनत भी कम है और साथ में हेल्दी भी है, ऑयली भी नहीं है, कई सब्जियां भी इसमें यूज है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़े से जो है वो पानी डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साथ पानी का यूज़ नहीं करना है, जितनी ज़रूरत हो उतने ही आवश्यकता अनुसार जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है।
तो पतला घोल हम बिल्कुल भी तैयार नहीं करेंगे, हमें एकदम गाढ़ा ही इसे घोलना है। तो देखिए मैंने थोड़े से और यहाँ पे पानी ऐड कर लिए हैं। तो अब हमारा बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है, तो हमें इसे जो है इतना ही गाढ़ा रखना है। तो अब हम गैस पे एक रख लेते हैं पैन, या फिर आप तवा या कढ़ाई भी फ्लैट वाली रख सकती हैं, और उसमें मैं एक चम्मच जो है वो ऑयल डाल देती हूँ और इसे अच्छे से जो है पहले तवे पे फैला देंगे। तो बहुत ही कम ऑयल वाली रेसिपी है, हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी है। तो अब हमने जो बैटर तैयार किया हुआ था वो इस पे डालेंगे। तो जितनी बड़ी आपको साइज़ रखनी है उस हिसाब से बैटर पैन पर डालिए और इसे अच्छे से स्पून की सहायता से जो है हम फैला देंगे। तो बहुत मोटा भी इसका साइज नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं, तो एक मीडियम शेप में हम इसे मीडियम थिकनेस रखेंगे और किनारे से इसे अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये एकदम अच्छे से दिखे भी। तो यहाँ पे मैंने किनारे से भी इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से इसे फैला लेंगे। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो इसे हम पहले ढक देते हैं ताकि जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से कुक हो, और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे ताकि अच्छे से सिके। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए किनारों से ये एकदम सूखने लगा है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, और नीचे से ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। देखिए किससे मैंने इसे हल्का से इसे टच किया है और ये अपनी जगह से हिलने भी लगा है। तो मैं इसे थोड़ा से और पकने देती हूँ। तो वापस से खोलते हैं और इसे हम दूसरी साइड जो है वो पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिके। तो देखिए दोबारा मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, एक ही चम्मच तेल से हमारी ये आज की रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अब इसे हम दोनों तरफ से जो है वो पका लेंगे और अच्छे से इसे कलर आने तक सेक लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, एकदम ना के बराबर मेहनत है और सब्जियां भी हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। बिना मसाले वाली टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो लीजिए तैयार है हमारी आज की ये रेसिपी। तो आप भी इसे इंजॉय करिए, जब भी भूख लगे, मॉर्निंग का समय है या फिर इवनिंग का टाइम हो, आप फटाफट इसे बनाकर खाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो हर लोग के पास पहुँचती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पर ऑल जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।